गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. विल यू लर्न टू मेक फ्रेंड्स. लुक हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल. दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट दिस गर्ल एंड दिस इज अ लिटिल विच गर्ल विच मीन्स अ वाइज वुमेन. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट डिस्कस द आउटफिट ऑफ विचेज, वॉट दे वेयर एंड वॉट दे कैरी. So this is her wand, her clock, clock means coat, her pointed hat, her broom, her cat. So let's start. It was Halloween. Halloween is a festival that is celebrated in US on 31st October and children used to wear funny dresses on this festival. And Willie was also very excited to go on a moon for party. All witches were getting ready to party on the moon, so Willie was also very excited. She opened her cupboard and what she saw that hundreds of mice jumped out. And what they did, they had eaten her broom. जिस रूम पर उसको बैठ कर मून पर जाना था, वो जो हंड्रेड ऑफ माइस थे, लुक हियर कितने सारे माइस है ना यहाँ पर कबर्ड से. जैसे ही उसने अपनी कबर्ड ओपन की तो हंड्रेड ऑफ माइस हैड ईटन हर ब्रूम. देन शी वॉज वेरी अपसेट. देन शी वेंट टू द ब्रूम विच ब्रूम मेकर एंड शी सेड हिम प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेक अ न्यू ब्रूम फॉर मी. देन द विच ब्रूम मेकर सेड सॉरी आई कांट हेल्प यू, एक्चुअली I am not having the branches of broom. Then he said, go to the willow tree. He will provide you the branches. Then I will make a new broom for you. Then she said, oh, I don't know the willow tree. How can I talk to him? Actually, the willow was very shy. She was not having any friend. वो किसी को अपना friend नहीं बनाती थी, किसी से बात नहीं करती थी. Shy means बहुत शर्मीली थी. तो वो कहती है, oh I don't know the willow tree. The kind man looked at the shy witch girl and said, it's up to you, Willu, ये तुम पर depend करता है कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो. अगर तुम्हें moon पर जाना है तो you have to go, otherwise don't go. तो it is up to you, Willu. This is something you must do. If you don't do it soon, you won't make it to the moon. She said, all right, I will try. She said, all right. Then she went to the willow tree. Then he said to willow tree, please give me some branches so that witch broom maker can make a new broom for me. The willow tree replied weakly, I wish I could. वो कहते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाता, but sorry, look at me. Ever since the well stopped sending me water, my branches stopped growing. अब वो बोलता है कि अब मेरे पास मेरी जो ब्रांचेज है वो नहीं है, मैं सूख चुका हूँ. बिकॉज वेल हैज स्टॉप्ड गिविंग वाटर टू मी, वेल हैज स्टॉप प्रोवाइडिंग वाटर टू मी. जो वेल होता है ना, कुआ होता है सोर्स ऑफ वाटर, तो वेल ने उसको पानी देना बंद कर दिया था. दैट्स वाई ही इज नॉट ग्रोइंग. अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे ना. दैट्स वाई विलो ट्री वॉज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग, उसकी ब्रांचेज नहीं थी. तो ओ जी, तो उसको बोलते हैं कि आप ना वेल के पास जाओ. देन वॉट शी सेड, ओ डियर सेड द शाय विच गर्ल, आई डोंट नो द वेल, मुझे नहीं पता कि मैं वेल को नहीं जानती. तो विलो ट्री भी उसको वही बोलता है, इट इज अप टू यू विलू, दिस इज समथिंग यू मस्ट डू. इफ यू डोंट डू इट सून, यू वॉन्ट मेक इट टू द मून. अगर आप ऐसा नहीं करोगी, अगर आप शर्माती रहोगी तो आप मून पर नहीं जा पाओगी. She said, okay, I will go there. वो well के पास जाती है. Dear well, I am Willu. Please send some water to the willow tree. अब वो well को बोलती है कि मैं Willu हूँ, please आप अपना water, थोड़ा सा water आप willow tree को दे दो. फिर willow tree grow करेगा और उसकी branches मैं witch broom maker को देकर अपने लिए एक new broom बनवा लूंगी. आह मॉर्न द वेल, आई विश आई कुड. अब जो वेल होता है वो चुप रहता है और कहता है कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता. अ स्टॉर्म रोल्ड अ ह्यूज स्टोन ऑन द टॉप ऑफ मी. एक स्टॉर्म आया, स्टॉर्म मीन्स एक तूफान आया, और उसकी वजह से एक बहुत बिग हैवी जो स्टोन था वो मेरे माउथ पर आ गया. एज यू कैन सी हियर, अ बिग स्टोन इज ऑन द माउथ ऑफ द वेल. सो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द वॉटर टू द विलो ट्री. So if you want water, if you want ki I should provide water to the willow tree, so please remove this stone. She said, oh, this is very easy, I can do this. तो वो उसको push करने लगती है. She started pushing the stone, but it was very heavy. She was not able to remove the stone. Then what she did, if you roll
what she did? She spell a cast. She cast a spell. Cast a spell means वो एक magic करती है, जैसे आबरा का डाबरा, गिली गिली छप्पा, झू, ऐसे हम लोग magic करते हैं ना, like तो वो भी एक ऐसे अपना spell बोलती है. Which is spell and which is brew? Here's a spell from little willu. Stone move of the well, will you? बट कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपेंड. विल यू बिगेन टू क्राई, उसने जो मैजिक वाले स्पेल्स वर्ड्स बोले थे उससे कोई मैजिक नहीं होता. दैट्स वाई शी स्टार्टेड क्राइंग. जैसे ही वो क्राई करती है, जो उसके टेयर्स होते हैं वो स्टोन पर गिर जाते हैं. हर टीयर्स फेल ऑन द स्टोन. देन स्टोन फील सॉरी फॉर हर एंड स्टोन सेड प्लीज डोंट क्राई इफ यू वॉन्ट. कोई मैजिक नहीं करता, कोई स्पेल मैजिक नहीं करते, ओनली फ्रेंड्स कैन डू द मैजिक. नाउ शी सेड फ्रेंड्स What is that? ये friend क्या होता है? तो उसको stone समझाता है. A friend is someone who helps you. Friend वो होता है जो आपको help करता है. A friend is someone who helps you in difficult time. अगर आपका friend आपको difficult time में help नहीं करता है जब आप problem में हो, that means he or she is not your friend. तो वो बोलती है मेरा तो कोई friend नहीं है. तो वो बोलता है go to the thatch house on the top of the hill, you will meet Valerie. वो उसको बोलता है, स्टोन बोलता है विलू को कि आप जाओ वहां पर एक थैच हाउस है, एक कच्चा हाउस बना हुआ है और उसमें एक वैलरी रहती है, शी विल हेल्प यू. देन अगेन शी सेड ओ नो आई डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानती, मैं उसको कैसे हेल्प के लिए बोलूंगी. फिर स्टोन भी वही वाला सैंग जो सॉन्ग था वो सैंग करता है, इट्स अप टू यू विलू, दिस इज समथिंग यू मस्ट डू, इफ यू डोंट डू इट सून यू वॉन्ट मेक इट टू द मून. तो वो बोलती है ओके आई विल गो. देन ही वेंट देयर, ही वेंट टू द वैलरी एंड शी आस्क फॉर हर हेल्प. देन वैलरी सेड ओके आई विल हेल्प यू बट मे आई ब्रिंग माई फ्रेंड्स ऑल्सो. देन विलू कहती है ओके ब्रिंग योर फ्रेंड्स. देन दे ऑल वेंट टू द वेल एंड दे ऑल पुश द स्टोन. जब सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं, जो फ्रेंड्स मिलकर कोशिश करते हैं, तो सब कुछ सक्सेस हो जाता है. देन दे गेट सक्सेस इन रिमूविंग द स्टोन फ्रॉम द वेल एंड नाउ इमीडिएटली द वेल गर्गल, जो वेल होता है वो फटाफट से अपना जो वाटर होता है वो ट्री को प्रोवाइड करता है, विलो ट्री को, और विलो ट्री पर फ्रेश जो ब्रांचेज होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं, और वो फ्रेश ब्रांचेज लेकर विच ब्रूम मेकर के पास जाती है एंड विच ब्रूम मेकर मेक अ न्यू ब्रूम फॉर हर. देन वो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द न्यू ब्रूम, कितना लॉन्ग है ना ये ब्रूम, और वो सब लोग उसके वैलरी विच ब्रूम मेकर और उसके फ्रेंड्स एंड विल्यू दे ऑल वेंट टू द मून फॉर अ पार्टी. सो वॉट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? द थीम ऑफ द स्टोरी इज वी शुड मेक फ्रेंड्स, वी शुड रिस्पेक्ट फ्रेंड्स एंड फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स यू. सो डोंट बी शाई, मेक अ फ्रेंड, respect your friend. Thank you.